नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूपम और आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल। आज मैं बात करने वाला टीवीएस अपाचे आरटीआर 180 BS6 के बारे में। फाइनली इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुकी है, 162V के बाद आ चुका है 182V BS6। इस गाड़ी में आपको क्या स्पेसिफिकेशन, क्या प्राइसिंग और क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, सारी चीज बताऊंगा इस वीडियो में। आखिरी तक वीडियो देखना बिल्कुल भी मत मिस करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर में, उसको क्लिक करके ग्रे में कन्वर्ट कर देना, एंड उसके साथ जो बेल आइकन उसको भी क्लिक कर देना, नहीं तो कोई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेंगे। तो फाइनली टीवीएस ने अपने वेबसाइट पे टीवीएस अपाचे आरटीआर 180 BS6 के प्राइस को अपडेट कर दिया है। दैट मींस ये इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। इस गाड़ी का प्राइस रखा है कंपनी ने एक्स शोरूम, दैट इज 1,4,76 रुपीज फॉर द एक्स शोरूम प्राइस, और ये ऑलमोस्ट 6,000 से 7,000 रुपए महंगा आपको देखने को मिलता है BS4 की कंपेरिजन में BS6 में। लेकिन आपको इस प्राइस पॉइंट में क्या क्या आपको अपडेट देखने को मिलता है, सबसे पहली चीज तो इस गाड़ी का जो पावर है थोड़ा सा बढ़ गया है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा बढ़ गया है। बात करें इसके इंजन और हार्ट की, तो इसमें लगा हुआ 177.4 cc का सिंगल सिलेंडर, और इसमें मिलता है आपको BS6 वाला इंजन जो कि पावरपुट निकालता है 16.5 bhp का पावरपुट एट द 8,500 rpm। जो टॉर्क इस गाड़ी में आपको देखने को मिलता है डेट इज 15.5 न्यूटन मीटर एट द रेट 7,000 rpm, और इस गाड़ी में आपको देखने को मिलता है 5-speed गियरबॉक्स। अगर मैं पावर आउटपुट की बात करूं तो 16.3 देखने को मिलता था BS4 में, 16.5 आपको इस वाले वेरिएंट में देखने को मिलता है BS6 वाले में, और आपको सेम देखने को मिलता है, कोई चेंजेस नहीं है। आरपीएम बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, दैट मींस पावर डिलीवरी थोड़ी इसी टॉप एंड में देखने को मिलता है, मतलब थोड़ा सा आरपीएम बढ़ा दिया गया है। रेस्ट आपको गाड़ी में सेम चीजें ही देखने को मिलती है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। सिर्फ आपको एक कैथलेटिक कन्वर्टर एड ऑन देखने को मिलेगा साइलेंसर वाले पार्ट में। इस गाड़ी में आपको देखने को मिलता है ऑयल कूल्ड सिस्टम और ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक का फैसिलिटी देखने को मिलता है इस बाइक में। अब ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक होता क्या है, इसमें क्या है, हाई गियर पे भी रहते हुए भी आपकी गाड़ी नॉकिंग सिस्टम होता वो नहीं होगा, वो इजीली उसको एडजस्ट कर लेगा जिससे गाड़ी में नॉकिंग नहीं होगी, बहुत अच्छी है। मतलब हाई गियर में अगर आपको चला रहे हैं और स्पीडिंग कम है तो गाड़ी नॉकिंग बिल्कुल नहीं होगी। वही अगर मैं बात करूं साइकिल पार्ट्स की, तो BS4 के जैसा ही BS6 में आपको देखने को मिलता है कोई भी चेंजेस नहीं है। वही आपको टेलीस्कोपिक फोक देखने को मिलता है फ्रंट में, पीछे डुअल सस्पेंशन देखने को मिलता है, गैस चार्ज मोनो सस्पेंशन नहीं है। इसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम और डिस्क ब्रेक दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें से आपको जो लेना है वो ले सकते हैं। 270mm का आपको फ्रंट में रोटो पेटल डिस्क देखने को मिलता है, पीछे आपको देखने को मिलता है 200mm का डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक दोनों का सेटअप है। इसमें आपको देखने को मिलता है सिंगल चैनल एबीएस एज अ स्टैंडर्ड। टायर क्वालिटी ऑन एंड ऑन एडिक्यूट है, लेकिन पीछे वाला टायर हल्का सा स्किनी आपको देखने को मिलता है, थोड़ा सा और रेडियल होता तो ज्यादा अच्छा रहता। 90/90 का फ्रंट टायर है और 110 सेक्शन का रियर टायर है, उतना कुछ आपको ग्रिपिंग प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन पावर एंड आउटपुट ऑन एंड ऑन एडिक्यूट है 180 cc के हिसाब से देखा जाए तो। अगर मैं स्टाइलिंग और फीचर्स की बात करूं तो इस गाड़ी में अगेन देयर इज नो अपडेट, BS4 जैसा BS6 में ही देखने को मिलता है, वही कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, वही सेटअप देखने को मिलता है। फ्रंट एंड में वही आपको हैलोजन हेडलाइट विद DRLs आपको देखने मिलते हैं, LED DRS, सीटिंग कंफर्ट आपको ऑन एंड ऑन एडिक्वेट मिलता है, स्प्लिट सीट नहीं है, स्प्लिट हैंडल बार देखने को मिलता है, पार्ट एनालॉग पार्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन है, उसमें आपको इंजन माल फंक्शन का एक लाइट भी देखने को मिलता है और ABS लाइट देखने को मिलता है, उसमें और कुछ एड ऑन देखने को नहीं मिलता है, गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर नहीं है, आपको इस गाड़ी में एक्स्ट्रा ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। रियर एंड की बात करूं तो आपको वही LED टेल लाइट देखने को मिलता है, लेकिन कन्वेंशनल आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, ज्यादा कुछ इतना फंकी लुक नहीं है, लेकिन राइडिंग पोस्चर आपको थोड़ा सा स्पोर्टीनेस प्रोवाइड करता है। राइडिंग पोस्चर कम्यूटर सेगमेंट का बिल्कुल भी नहीं है, वैसे सोच के ले रहे हैं तो बिल्कुल भी ना ले, हल्का सा स्पोर्टीनेस आपको प्रोवाइड करता है। आपके हाँ रिस्ट में थोड़ा सा प्रेशर पड़ सकता है ज्यादा देर अगर इस गाड़ी को चलाते हैं तो। वही अगर मैं वेट की बात करूं तो इस गाड़ी का वेट थोड़ा सा बढ़ गया है, 141 kg का इसका ड्राइव वेट हो गया, पहले 139 kg का ड्राइव वेट था। तो अगर मैं इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो थोड़ा सा बढ़ गया इसका ग्राउंड क्लियरेंस, पहले था 165mm का ग्राउंड क्लियरेंस, अब आपको देखने को मिलता है 170mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि थोड़ा सा अच्छा हो गया इस गाड़ी में। अगर मैं बात करूं कलर कॉम्बिनेशन की, तो इसमें आपको टोटल 3 कलर देखने को मिलता है, ब्लू ब्लैक एंड ग्रे, तीनों ही मैट फिनिश में आता है, जो आपको लेना वो आप ले सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा इन्फॉर्मेशन वीडियो अबाउट अपाचे आरटीआर 180 BS6, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना। और आपको ये गाड़ी कैसी लगी, कितना पसंद है, क्या आपके फीलिंग्स इस बाइक से रिलेटेड, प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएगा। और इस बाइक से रिलेटेड कोई भी सवाल सुझाव कुछ भी हो तो प्लीज ये जो इंस्टाग्राम का जो हैंडल दिख रहा है इसको फॉलो करें, विद इन 24 आवर्स विद इन 48 आवर्स अगर आपने मैसेज किया तो मैं रिप्लाई दे दूंगा। टिल देन बाय एंड चाओ।